आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन 29 मई 1987 को हुआ था। वो देश के 5वें पीएम थे और उत्तर प्रदेश के बागपत से 4 बार सांसद रह चुके थे। हालांकि चौधरी साहब ऐसे पहले पीएम थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सांसद का मुंह तक नहीं देखा था। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को भी जेल भिजवाया था और नेहरू के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। सियासी जानकारों के मुताबिक वो सादगी से जीवन जीने वाले नेता रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर किसान के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना से किसानों के जीवन में खुशहाली आई है, प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाना हमारा मकसद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में कि देश के विकास का मार्ग इस देश के गांव की गलियों से, खेतों और खिलानों से प्रशस्त होता है। आजीवन वे किसानों के हितों के लिए कार्य करते रहे। चौधरी साहब के गांवों के विकास और अन्नदाता किसानों के हितों के लिए किए गए प्रयासों को ही आज केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर जुबानी करते हुए कहा कि देश में किसानों के सबसे बड़े नेता और देश की आजादी के बाद अगर किसानों के लिए किसी ने संघर्ष किया तो वो चौधरी चरण सिंह ने किया था। उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है और जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले जा रही है, किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया। बता दें कि चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव या कोई कपट नहीं था, बल्कि उन्हें जो अच्छा लगता था वो उसे ताल ठोक कर अच्छा कहते थे और जो उन्हें बुरा लगता था वो उसे कहने में कोई गुरेज भी नहीं करते थे। इसलिए चरण सिंह को राजनीति के चरण बदलने वाले पीएम भी कहा जाता था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्राइम टीवी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।